दोस्तों, क्या आपका वाईफाई कभी खराब हुआ है? यहाँ मेरा मतलब है लैपटॉप या डेस्कटॉप के वाईफाई से। अगर आपके लैपटॉप या डेस्कटॉप का वाईफाई काम नहीं कर रहा है, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तो आज मैं आपके लिए एक रामबाण इलाज लेकर आया हूँ। केवल 250 रुपये में आप उन सारी प्रॉब्लम से निजात पा सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं। 250 रुपये में केवल आप किसी भी लैपटॉप या डेस्कटॉप का वाईफाई सिस्टम सुधार सकते हैं। इवन मैं कहूँगा बिल्कुल नया बना सकते हैं। तो आज हम अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू करने जा रहे हैं एक्साबाइट की तरफ से आने वाले एक वायरलेस मिनी डोंगल का, जो कि आपके वाईफाई को ठीक कर सकता है। ये अपने आप में एक वायरलेस डिवाइस है, जो कि वाईफाई राउटर से वायरलेस सिग्नल्स को कैच करता है और इंटरनेट प्रयोग करने में मदद करता है। तो अगर आप जानना चाहते हैं इसके बारे में सारी जानकारी, कैसे इसका प्रयोग करना है, क्या क्या बॉक्स कंटेंट्स हैं, तो आगे वीडियो को देखते रहिए ताकि आप बेहतर समझ पाए। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक, स्वागत है आपका 360 टेक्टिव्स यूट्यूब चैनल पर। चलिए स्टार्ट करते हैं। अनबॉक्सिंग से बॉक्स कॉन्टेंट्स देख लेते हैं क्या क्या हमें इसमें मिल जाते हैं। बताना चाहूँगा, इसमें एक सीडी दिया हुआ है जिस पर लिखा हुआ है वायरलेस यूएसबी अडैप्टर ड्राइवर मैनुअल। एक्चुअली ये ड्राइवर है इस हार्डवेयर का, तो उसको साइड में रख देते हैं और इस हार्डवेयर को एक बार देख लेते हैं। ये जो डोंगल है, मैं आपको बताना चाहूँगा, बहुत ही टाइनी डोंगल है। इस पर एक्साबाइट की ब्रांडिंग है ऊपर, और ये बिल्कुल एक वायरलेस माउस का जो डोंगल आता है उसको रिजेंबल करता है। और इसको प्रयोग करना भी उतना ही आसान है जितना आसान एक वायरलेस माउस को प्रयोग करना है। तो चलिए देख लेते हैं इसको प्रयोग कैसे किया जाता है और इसकी टेस्टिंग भी हल्की हल्की कर ही लेते हैं। बताना चाहूँगा, यूज़ करना काफ़ी आसान है। केवल USB पोर्ट में इसको प्लग करना है। प्लग करने के बाद सिस्टम को ऑन करिए और ड्राइवर को इंस्टॉल कीजिए। चलिए वह भी देख लेते हैं। बॉक्स में आई हुई CD को इंसर्ट करना है और ड्राइवर को इंस्टॉल करना है। देखिए, इस प्रकार से जो CD के कंटेंट्स हैं हमें यहाँ नज़र आ रहे हैं। बट अभी मैं कंफ्यूज्ड हूँ कि कौन से फोल्डर में एक्सो सॉफ्टवेयर होगा। तो इसके रिगार्डिंग हम डायरेक्टली, बहुत ही शॉर्ट मेथड है, आप राइट क्लिक करिए, मैनेज में जाइए, एंड मैनेज में जाने के बाद डिवाइस मैनेजर में जाइए। यहाँ पर एक बार एक्शन में जाके स्कैन फॉर हार्डवेयर चेंजेस पर क्लिक कर दीजिए। तो देखिए, एक अदर डिवाइस में येलो कलर का साइन आ रहा है। ये जो साइन होता है एक एरर का साइन होता है। इट मींस ये जो 802.11n डिवाइस है कनेक्टेड है, बट इसका ड्राइवर इंस्टॉल नहीं है। ड्राइवर इंस्टॉल करने के लिए ऑटोमेटिकली ये राइट सही ड्राइवर यहाँ से ले लेगा। आपको बस राइट क्लिक करना है, अपडेट ड्राइवर सॉफ्टवेयर, इस पर क्लिक करना है, ब्राउज माई कंप्यूटर फॉर ड्राइव सॉफ्टवेयर, और यहाँ से ब्राउज करने के बाद आपकी जो CD ड्राइव है उसको सिलेक्ट करना है, और सिलेक्ट करने के बाद ये ओके कर दीजिए तो ऑटोमेटिकली ये एक सही ड्राइवर ले लेगा। नेक्स्ट करिए। देखिए, ये अभी सॉफ्टवेयर जो है वो जो सही सॉफ्टवेयर है इस डिवाइस के लिए, वो वहाँ से फाइंड करेगा और ऑटोमेटिकली इंस्टॉल करेगा। आपको कोई भी परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। तो देखिए, ये जो ड्राइवर है इंस्टॉल हो चुका है। एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, विंडोज है सक्सेसफुली अपडेटेड योर ड्राइवर सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पर जो ड्राइवर डला है वो आप देख सकते हैं क्लियरली, RTL8, ये जो RT वाला ड्राइवर है वो डला है। तो इसने स्पेसिफिक जो ड्राइवर इस डिवाइस के लिए जो था वो इंस्टॉल कर लिया है। अब आप इजीली वाईफाई का जो सिग्नल्स है वो देख सकते हैं। देखिए, वाईफाई के सिग्नल्स आ चुके हैं। एज यू कैन सी, सिस्टम को मैंने रीबूट कर लिया है। रीबूट करने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं सिग्नल्स मुझे दिखाई देने लगे हैं। S7 जो मेरा डिवाइस है, मैं इसको कनेक्ट कर लेता हूँ। सिक्योरिटी की मैं एंटर कर देता हूँ। सिक्योरिटी की एंटर करने के बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। यस कर सकते हैं आप, और देखिए ये कनेक्टेड लिखा आ गया है। तो ये जो मेरा डेस्कटॉप है अभी वाईफाई से कनेक्टेड है। मैं इसमें एक वेबसाइट आपको खोलकर बता देता हूँ, कोई, चलिए गूगल ही खोल लेते हैं नॉर्मली। तो मेरा इंटरनेट जो है कनेक्ट हो चुका है बड़ी ही आसानी से। तो देखिए कितना आसान था इसको यूज़ करना, इसको इंस्टॉल करना और बाकी जो भी प्रोसेस था। तो मेरे हिसाब से अपनी वैल्यू को काफ़ी जस्टिफाई करता है ये प्रोडक्ट। बाकी आगे मेरे थॉट्स अगर आपको जानने, तो वीडियो को आप कंटिन्यू कर सकते हैं।
देखा आपने कितनी आसानी से इस डिवाइस को आप यूज कर सकते हैं, तो बिल्कुल भी परेशानी उठाने की जरूरत नहीं है। अगर आपके डेस्कटॉप में या लैपटॉप में वाईफाई का इशू आता है तो किसी भी शॉप पर एटलीस्ट जाने की जरूरत नहीं है। आप बिल्कुल सिंपली इस डिवाइस को, और इस तरीके के कई और डिवाइसेज आते हैं टीपी लिंक कंपनी के और बहुत सारी कंपनी के लाइक डी लिंक, तो उन कंपनीज के या इस कंपनी का इस तरीके का अडेप्टर खरीद कर आप घर में ही अपने प्रॉब्लम से निजात पा सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा ताकि आप इसी प्रकार की टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोज का लुत्फ उठाते रहें और कुछ नया जानते रहें। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मिलता हूँ आपको किसी ऐसे ही नए एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, शब खैर, वंदे मातरम।